मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें उपचुनाव में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, पार्टी को जीत दिलाएंगे। भूपेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और अब राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में भी जुट गई है। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले तो इसे कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं चुनाव? देखिए, चुनाव तो कोई भी हो निश्चित रूप से चुनौती होती ही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनौती मान के ही लड़ती है। हम लोग जब से उपचुनाव की परिस्थितियां बनी है तब से पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है और भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए हमारे यहाँ 12 महीने कार्यक्रम चलते हैं विचार को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, समाज को लेकर, सेवा को लेकर ये कार्यक्रम चलते हैं। तो हमारी चुनावी तैयारी हमेशा रहती है और उस दृष्टि से पार्टी पूरी तरह से चुनाव में तैयार है। जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है तो एक 10-12-15 लोगों की टीम होती है प्रबंधन में, उस टीम में मैं भी हूँ और वो टीम चुनाव का पूरा जो कैलेंडर है, प्रचार साहित्य है, हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं, नेताओं के दौरे हैं, कार्यक्रम है, आयोग से संबंधित कोई चीज़ें हैं, तो इन सब विषयों पर प्रबंध समिति नज़र रखती है और कोऑर्डिनेट करती है। तो ये प्रबंध समिति काम करेगी और मुझे विश्वास है कि चारों विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय प्राप्त करेगी। यद्यपि इसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, अधिकांश समय कांग्रेस के पास रही है, पर हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि चारों सीटों पर हम लोग जीतें। फिर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी को भी यही है कि चारों ही सीटें जो हैं बीजेपी जीतेगी। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में जीत किसकी होती है। वीडियो न्यूज़ अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।